तन से जुदा का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार कराने के लिए एसएसपी से मिले विहिप कार्यकर्ता। सर तन से जुदा वीडियो प्रकरण में आज विश्व हिंदू परिषद ने कार्यवाही के लिए एसएसपी कार्यालय पहुंचे कार्यकर्ता पदाधिकारी। पर्व वफात के जुलूस में कुछ मुस्लिम युवकों ने माइक से लगाए थे भड़काऊ नारे। वीडियो वायरल होने के बाद बजरंग दल ने विरोध प्रदर्शन करते हुए आरोपियों के खिलाफ कराया था मुकदमा दर्ज। आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से हिंदू संगठनों में रोष व्याप्त। भड़काऊ नारे लगाने वालों को मासूम बताकर मुरादाबाद शहर इमाम की अगुवाई में एक दर्जन मौलानाओं ने एसएसपी से मुकदमा रद्द करने की थी मांग। आज विश्व हिंदू परिषद ने जुलूस आयोजकों की जांच कराने और आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करने के लिए एसएसपी को सौंपा है ज्ञापन। जी, ये सब क्या नाम है आपका? गौरव भटनागर, प्रांत संयोजक बजरंग दल। समझ में आए हैं आप? ये दो दिन पहले मुरादाबाद में एक बाराफात के जुलूस में जो बिलारी में कोतवाली के पास एक जुलूस निकला था, उसमें नारे लगे कि सर तन से जुदा। तो हम कप्तान साहब से मिलने के लिए आए और अपनी बात रखी है कि कुछ लोग कल मिले थे कि बच्चे हैं, गलती हो गई, लेकिन ये गलती से नहीं, ये किसी न किसी आतंकी इनपुट है। कुछ ना कुछ घटना होने वाली है, जो सर तन से जुदा के नारे लगा सकता है वो सर तन से जुदा कर भी सकता है। ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो जाए मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद का माहौल खराब ना हो, ऐसा जो डर का माहौल मुरादाबाद में जो हिंदू समाज के मन में बैठाने का प्रयास चल रहा है वो प्रयास सफल नहीं होने वाला। और हम कप्तान साहब से मिलने के लिए और ये सारी अपनी जो बात है, हाँ मुकदमा दर्ज हो गए, लेकिन मुकदमा दर्ज होने से काम नहीं चलेगा। उसमें उसके पीछे किसकी साजिश है, किस संगठन पक्ष ने बुलाया, दूसरे पक्ष का कहना है कि वो किसी विशेष व्यक्ति या किसी के लिए नारे नहीं लगाए गए। हाँ, अभी एक साल पहले भी नारे लगाए गए थे, लेकिन विशेष व्यक्ति के लिए नहीं लगाए गए। नाम जब पता लगा, जब कन्हैया कुमार की गर्दन कट गई, तो नाम तो बाद में पता लगेगा, जो गर्दन कट जाएगी किसकी गर्दन कटी, किसके लिए नारे लगे थे, तो अभी नहीं पता ना किसके लिए नारे लगे। हिंदू समाज के बहुत लोग घूम रहे हैं, सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, किसी की गर्दन कट सकती है, गौरव भटनागर की भी कर सकती है। आप क्या चाहते हैं आपका संगठन? हम चाहते हैं कि इसमें जो है एक किस संगठन से जुड़े हुए लोग हैं और जो संगठन ने जिसकी यात्रा निकली है उनकी एक जांच होनी चाहिए, उनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए, उनके अकाउंट की जांच होनी चाहिए। कहीं कोई आतंकवादी फंडिंग तो उनके अकाउंट में नहीं हुई है, और हाँ नारे लगाए और उनके जो संगठन जिसने जो आयोजक हैं इस यात्रा के उनकी भी जांच होनी चाहिए। और ये किसी आतंकी संगठन जुड़ा हुआ तो विषय नहीं है, तो ये सारी जांच होनी चाहिए। हमें ये इसका अनुमान है कि किसी आतंकी संगठन जुड़े हुए इनके तार हैं, और अगर जांच में होगी तो कुछ ना कुछ इसमें पाया जाएगा।